some one important strategy by which you could make your speaking skills very effective and very impressive. Yes guys, I'm talking about phrasal verbs. And have you ever wondered ki tusi kise na gal kar rahe si, kise third person na gal kar rahe si, and oh use kar rahe si different verbs. Unhe use kita look up, grow up, hana, bring up. Ta unhe jodo ye use kite, I wondered ki wale kede words ne unhanu kive use kita janda and jede mainu bahut jyada impressive lag rahe si. So today we'll discuss all these words. And hello everyone, this is Parneet. I hope you all are doing good. Now before starting phrasal verbs, पहला देखो जो दो simple words होंदे ने, like जो दो कल्ला give होंदे, look होंदे, make होंदे, इन्हें तो meaning एक different होंदे. However, when we use these words in terms of phrasal verbs, तो इन्हें तो total meaning है जेड़ा वो change हो जान्दे. जो दो meaning change हो जान्दे, तो उन्हें तो एक different वो sound कर देने, different context दे विच उन्हें वो use कित्ता जान्दे. Like number one is give up. उन give the meaning होंदे देना, but जो दो दिन अप लग जान्दे, तो give up the meaning होंदे. देखो give the meaning होंदे देना, मतलब जो मेरे को से मैं सारी चीज देती है ना, किसी हर एक चीज अपना दे देना, दैट इज गिव. बट जो दो देनाल गिव देनाल अप लग गया था, ओदा मीनिंग हुंदे हार मान लेना. ठीक है, मतलब मैं हुन हार मान लिया, मेरे तो कुछ नहीं हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल जी मैं तुहाडी गल करां, तुहाडे जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इस तरह के ने जिन्होंने हार मान ली है कि नहीं मैं हुन इंग्लिश नहीं बोल सकता है ना, तुसी गिव अप कर लिया. बट गाइस बिलीव मी, तुसी कभी भी गिव अप ना करो. सो आप इनू एज अ सेंटेंस दे विच यूज कर सकते हैं, नेवर गिव अप है ना, ट्राई हार्ड एज मच एज यू कैन, एज हार्ड वर्क इज द सीक्रेट फॉर सक्सेस. तुसी सुने ही होएगा फेमस को. ठीक है, सो कभी भी गिव अप ना करो, कभी भी हार ना मनो, प्रैक्टिस करते रहो, अपनी इंग्लिश स्किल्स नू इंप्रूव करते रहो. सो आई होप तुहानू गिव अप हुण कभी भी नहीं भुलेगा. गिव अप का मीनिंग हुंदा है हार मान लेना, सो नेवर गिव अप. ओके, सेकेंड इज लुक अप. हुण लुक का मीनिंग हुंदा है देखना, बट जदों अप लग गया, लुक अप हो गया, तो लुक अप का मीनिंग हो गया बहुत ध्यान नाल किसी चीज नू देखना है ना, बहुत गहराई विच जाके किसी चीज नू देखना. लाइक अगर मैं तुहानू कहां लुक अप द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, आई एम लुकिंग अप फ्यू वर्ड मीनिंग्स इन द डिक्शनरी है ना, मतलब बहुत ध्यान दे नाल किसी चीज नू देखना, दैट इज लुक अप, गहराई दे नाल डूंगाई दे विच जाके देखना. थर्ड इज मेक अप. मेक द सिंपल द मीनिंग मेक की हुंदा है बनाउणा, बट जदों मेक दे नाल अप लग गया, मेकअप का मीनिंग हुंदा है मतलब किसी नू कुछ फेक तरीके नाल बनाउणा, या आपां किसी नू कह दईए किसी नू बुद्धू बनाउणा, किसी नू पागल बनाउणा है ना, उदों भी असीं मेकअप कह सकदे हां. लाइक जिवें आपां कह दिंदे आ, डोंट मेकअप लेम एक्सक्यूजेस, डोंट मेकअप सो मेनी एक्सक्यूजेस है ना, इन्नी एक्सक्यूजेस ना बनाओ, इन्ने फालतू बहाने ना बनाओ, दैट इज बनाउणा. लाइक मेकअप नू तरीके नाल होर भी यूज किया जाता जो आपां मूंह ते मेकअप करदे हां, लाइक आर्टिस्ट जिहड़े हुंदे ने, या फिर मैं कहां लेडीज यूज करदियां ने मेकअप, उदों भी यूज कर सकदे आ मेकअप नू. फाइन, नेक्स्ट इज ब्रिंग अप. हुण ब्रिंग का मीनिंग हुंदा है कुछ लैके आना. ठीक है, जो ब्रिंग दे नाल अप लग गया, उहदा मीनिंग हुंदा है किसी का पालन पोषण करना, किसी नू नर्चर करना, नरिश करना. लाइक पेरेंट्स जो अपने बच्चों नू वड्डा करदे ने है ना, उहनू कहिंदे ने ब्रिंग अप. ठीक है, लाइक आई वॉज ब्रॉट अप बाय माई पेरेंट्स है ना, पास के जो यूज करेंगे तो ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट होंगे ना, तो आई वॉज ब्रिंग ब्रॉट अप बाय माई पेरेंट्स है ना, तो उन्होंने यूज करते हैं पालन पोषण करने के लिए. ठीक है, सेकेंड मीनिंग एदा होंगे कोई मुद्दा डिस्कस करना है ना, किसी मुद्दे पर चर्चा करना. लाइक आई ब्रिंग अप दिस पर्टिकुलर इशू इन द मीटिंग टूमोरो, मैं कल मीटिंग दे विच या इन द कॉन्फ्रेंस टूमोरो, आई ब्रिंग अप दिस इशू इन द क्लास टूमोरो. ठीक है, मतलब वो कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, पर्टिकुलर इशू है, मैं उस चर्चा करूंगा कल, वो मुद्दा मैं चकूंगा. ठीक है, वह एक होर मीनिंग भी होंगे. जिहड़े फ्रेजल वर्ब्स होंदे ने उहनां दे इक इक मीनिंग नहीं होंदे, उहनां दे बहुत ज्यादा मीनिंग्स होंदे ने. अज आपां डिस्कस कर रहे हैं मेन मीनिंग्स जिन्हां दी तुहानूं जरूरत है इन डे टू डे कॉन्वर्सेशन दे विच. नैक्सट इज ग्रो अप. हुण ग्रो दा मीनिंग की होंदा, ग्रो दा मीनिंग होंदा वधना है ना, जदों ग्रो अप हो गया दैट इज वड्डे हो जाना. आपां जिवें बच्चियां नूं कह दिंदे हां ना, कोई बच्चा छोटा नहीं रहा पर वो शरारतां करदा रहिंदा, आपां उहनूं कह दिंदे आ कम ऑन ग्रो अप नाउ, यू आर नॉट अ किड एनीमोर, यू आर अ ग्रोन अप बेबी नाउ है ना, यू आर ग्रोन अप नाउ, यू आर नॉट अ किड एनीमोर. उहनूं कह दिंदे आ हुण ये शरारतां ना करो, ये काम ना करो, हुण तुसीं वड्डे हो चुके हो. फाइन, नैक्सट इज टेक अप. हुण टेक दा मीनिंग हुंदा है कुछ लैणा है ना, जदों टेक अप अप लग गया, फ्रेजल वर्ब बन गया, तां उहदा मतलब हुंदा लै लिया कुछ, लै लाइक मैं सपोज मैं प्लस टू दे विच मैडिकल स्ट्रीम लै लिया सी, सो मैं चाइल्डहुड दे विच क्रिकेट लै लई सी, सो आई टुक अप क्रिकेट सिंस माई चाइल्डहुड है ना, एज अ गेम इन माई स्कूल. या फिर आई टुक अप मेडिकल स्ट्रीम वैन आई वॉज इन सीनियर सैकेंडरी, वैन आई वॉज इन प्लस टू, तो उदो असं टेकअप यूज कर सकते हैं. नैक्सट इज टर्न अप. टर्न की हुंदा मोड़ देना किसी चीज़
ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦੇਣਾ ਹਨਾ ਲਾਈਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲਾਈਕ ਹੀ ਟਰਨਡ ਅਪ ਦ ਸਟੋਰੀ ਉਹਨੇ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਆਈ ਵਾਸ ਨਾਟ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਬਟ ਹੀ ਲਿਟਰਲੀ ਟਰਨਡ ਅਪ ਦ ਸਟੋਰੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੋਲਡ ਕਰਤਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘੁਮਾਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ ਇੱਕਦਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਨ ਅਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਨ ਅਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਗੈਟ ਅਪ ਹੁਣ ਗੈਟ ਅਪ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਗੈਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਰ ਗੈਟ ਅਪ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਲਾਈਕ ਆਈ ਗੈਟ ਅਪ ਐਟ 5 AM ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹਨਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਗੈਟ ਅਪ ਹਨਾ ਕੋਈ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਗੈਟ ਅਪ ਮੀਨਸ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਹਨਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੈਟ ਅਪ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਗਾਈਜ਼ ਇਹ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲੀਵ ਮੀ ਗਾਈਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਨ ਯੋਰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਹਨਾ ਤਾਂ ਗੈਟ ਅਪ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਲੁੱਕ ਅਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਨਾ ਆਈ ਵਾਸ ਲੁਕਿੰਗ ਅਪ ਫਾਰ ਮਾਈ ਪੈਨ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੀ ਵਾਸ ਬ੍ਰੋਟ ਅਪ ਬਾਈ ਹਿਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਿਸ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਗਰੋ ਅਪ ਯੂ ਆਰ ਅ ਗਰੋਨ ਅਪ ਬੇਬੀ ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਅ ਕਿਡ ਐਨੀਮੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਨ ਯੂਅਰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਯੈਸ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਐਂਡ ਫਲੋ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਦ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬਸ ਐਂਡ ਦ ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਫ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਦ ਵੀਡੀਓ ਯੂਸਫੁਲ ਐਂਡ ਹੈਲਪਫੁਲ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਦ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਡਾਊਟਸ ਐਂਡ ਕੁਆਰੀਜ਼ ਡੂ ਰਾਈਟ ਇਨ ਦ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਾਏ ਟੇਕ ਕੇਅਰ